नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर की केंद्रीय जेल में राम मंदिर को लेकर खासा उत्साह का माहौल चल रहा था। ठीक उसी समय अपने ही पत्नी की हत्या के मामले में सजा काट रहा कैदी ने अपने ही ओढ़ने की चादर से ही बैरक नंबर 2 की बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक तरफ जहाँ पूरे देश में जहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही, तो वहीं अनिल नाम का कैदी द्वारा भी पहले सुंदरकांड का पाठ किया, उसके बाद प्रसाद और भोजन करने की थोड़ी देर बाद ही बैरक नंबर 2 की बाथरूम में ओढ़ने की चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल पिछले दिनों छतरीपुरा थाना क्षेत्र में अपनी ही पत्नी की गला रेतकर हत्या के मामले में केंद्रीय जेल में पिछले 5 महीने से सजा काट रहा था। वहीं जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि अपनी ही पत्नी की हत्या के बाद से अनिल डिप्रेशन में चल रहा था और मन में एक ही बात सोच रहा था कि मैं कभी जेल से छूट पाऊंगा कि नहीं, बस इसी कारण से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अनिल पिता राजू जो अंडर ट्रायल बंदी था हमारे यहाँ का, उसने जो है 2 नंबर बैरिक के बाथरूम में जो है, मतलब बाहर जो एयर बाथरूम होता है बंदियों के यूज़ करने के लिए, उसमें जो है उसने फांसी लगा ली थी। और वो अंडर ट्रायल बंदी जो है 302 में था, अपनी पत्नी के मर्डर में था, और लगभग जो है वो जुलाई में हमारे जेल में आया। इस कारण से कुछ ग्रामीण लोगों को मालूम चला, जुडिशियल इंक्वायरी इसमें हो रही है। हमने जो है डीजे साहब को अवगत कराया और उनके द्वारा जो है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जो है उसमें मैडम आएंगी और वो कर रहे हैं। प्राथमिक रूप से जो हम लोगों ने सभी जांच वगैरह करी है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है। बदली क्योंकि अपने पत्नी के मर्डर में था और वो थोड़ा सा उसके बैरिक में जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनका कहना था कि वो थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा दुखी या चिंतित रहता था, और उसका ये कहना था कि मैं वो क्या पता मैं जेल से छूटूंगा कि नहीं छूटूंगा, इस प्रकार का वो मानसिक थोड़ा परेशान था। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।